आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया का जमाना है, संचार क्रांति का युग है। इस संचार क्रांति के युग में कहीं ना कहीं इसके लाभ हैं तो इसके कहीं ना कहीं हानियां भी बहुत ज़्यादा है। लोग किसी के नाम से फेक आईडी बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ सिवनी में हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक की फेक आईडी बना ली गई और फेसबुक की फेक आईडी, चूँकि पुलिस का मामला था इसलिए तत्काल ही उस पर नज़र गई और उस आईडी को बंद कर दिया गया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी लोगों को अवेयर किया गया है, जागरूक किया गया है। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया भी आपसे यही आग्रह करती है, विनय करती है, निवेदन करती है, अपील करती है कि जब भी आप किसी की आईडी देखें तो सबसे पहले उस आईडी में, फेसबुक आईडी में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी पोस्ट नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ एक या दो दिन की पोस्ट दिखाई देगी। और अगर कभी ऐसा होता है और किसी व्यक्ति की, आपके परिचित की कोई ऐसी फेक आईडी मिलती है, तो पहले सबसे पहले उस संबंधित व्यक्ति से दरियाफ्त जरूर करें। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, इस बारे में अब हम आपको बताते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में क्या मशवरा दिया, क्या हिदायत दी, क्या उन्होंने सावधानी बरतने को कहा, आइए सुनते हैं। कई बार हर किसी भी व्यक्ति की फेक आईडी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और बन जाती है फिर बंद भी हो जाती है। फेक आईडी किसी भी पुलिस वाले की, किसी भी सेना के अधिकारी की, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की फेक आईडी बनाकर फिर वो लोग इस तरह का मैसेज उस व्यक्ति के जो FB फ्रेंड होते हैं, फेसबुक फ्रेंड होते हैं, उनको मैसेज करते हैं कि हमारा कोई सेना में परिचित है या कोई मिलिट्री का परिचित है, उसका दिल्ली से सिर मेरा तबादला हुआ है, वो अपना सामान सस्ते दर में बेचना चाहता है, उसका सामान लेने, इस तरह के मैसेज चलते रहते हैं। किसी ने मेरी भी फेक आईडी बना के इस तरह का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि सब हमसे अवगत हैं तो उन्होंने इस बात को, वो सफल नहीं हुआ। लेकिन तमाम लोगों का, कई लोगों के को देख रहा हूँ, कई लोगों का मैसेज मेरे पास भी आए। एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि हमारा आदमी तुमसे संपर्क करेगा और कुछ सामान उसका खरीदना है तो खरीद लेना, उसका ट्रांसफर श्रीनगर हो गया है, दिल्ली में था। इस तरह के मैसेज बहुत आते हैं, बिल्कुल भुलावे मत जाएं। फेसबुक पे जिसकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए उसकी पोस्ट का अवलोकन करें। जो भी पोस्ट होती है, जो पोस्ट फर्जी होती है, फेक होती है, बहुत क्लियर कट रहती है। फेसबुक पेज अगर आपका बनता है, किसी व्यक्ति का कोई बनाता है, तो उसको अगर पूरी तरह से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सारी फोटो सब कुछ एक ही दिन का पोस्ट किया रहता है, पुरानी पोस्टें नहीं दिखती हैं उसमें। तो अगर फेसबुक आप चला रहे हैं तो फेसबुक में किस तरह बदमाशी होती है उससे भी आपको अवगत रहना चाहिए। किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, चाहे वो किसी पुलिस अधिकारी के नाम से बनाई हो, किसी सेना के अधिकारी के नाम से, या किसी जनप्रतिनिधि के नाम से। ये ठगने के बड़े आसान उपाय हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें भी करते हैं कि फ़ोन लगा देंगे कि आपका एक परिचित व्यक्ति है, वो बहुत घायल हो गया है, कुछ अकाउंट में पैसा लगवा दो। इसके शिकार कई बार जनप्रतिनिधि भी हो जाते हैं कि बोलते हैं कि आपके इलाके का आदमी यहाँ मर गया, उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो जनप्रतिनिधि जो है अमूमन जो है ऐसे लोगों में अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए पांच बड़ी रकम नहीं डिमांड करते हैं, छोटी रकम की डिमांड करते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचें, किसी के नाम पे किसी को पैसे ना दें, किसी के कहने पे किसी से कोई सामान ना खरीदें, और कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी है जब तक कि हम पुष्टि न कर लें कि जिस व्यक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या उसी की फेसबुक प्रोफाइल है कि किसी ने फेक बनाई है। अब बहुत आसान है, फेसबुक पर आए तो आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है। तो इससे बचने की कोशिश करें, और इसे किसी भी भंवर जाल में आने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पर किसी भी प्रकार की रकम मांगी जाती है बिल्कुल न दें और बचें, अपनी सुरक्षा करें। तो सुना आपने क्या कहना था जिला पुलिस अधीक्षक का। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी जानकारी दी गई, सिवनी के जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, इनके द्वारा बताया गया, लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप कभी भी किसी परिचित की
फेसबुक आईडी या किसी तरह की कोई ऐसी फर्जी आईडी पाते हैं या इस तरीके की आईडी जो आपको कहीं नकली प्रतीत होती है, तो आप सबसे पहले संबंधित जिसकी वो आईडी है उसको इस बारे में इत्तला दें, उसको इस बारे में बताएं और उसके बाद उसे सलाह दें कि वो साइबर पुलिस की साइबर सेल में जाकर इसकी शिकायत जरूर करें। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो बताया गया उस पर अमल लाने की सभी को जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।